अब आप वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। हमारी मशरूम प्रोडक्शन की सीरीज का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मशरूम फार्म प्रैक्टिसेस के बारे में। और अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे फार्म्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें कोई फार्म एस्टेब्लिश करनी होती है तो हम कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मशरूम फार्म प्रैक्टिसेस के बारे में कि मशरूम फार्म प्रैक्टिसेस एक्चुअल में क्या है। मशरूम फार्म प्रैक्टिसेस, हम जब अपना राइट टू फार्म एक्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा था कि जब हम मशरूम के प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे तीन डिस्टर्बेंस एलिमेंट होते हैं। एक हमारा डस्ट होता है, दूसरा हमारा नॉइस होता है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पे तीन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। पहला हमारा डस्ट था, दूसरा हमारा नॉइस था, तीसरा हमारा ऑडर था। अब हम पढ़ते हैं डस्ट के बारे में कि जब हम मशरूम की फार्म को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो डस्ट होती है वो कैसे जनरेट होती है, कैसे वो हमारे मशरूम के प्रोडक्शन को और एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, डस्ट में भी जनरेटेड व्हेन द फाइन पार्टिकुलेटेड आर लिफ्टेड फ्रॉम फील्ड, रोड, बिल्डिंग एंड यार्ड बाय द स्टीरिंग एक्शन ऑफ एयर। जब हमारी जो डस्ट होती है वो जनरेट होती है, और जनरेट वो कैसे होती है कि हम अभी अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड से या फिर कोई भी मतलब अगर हमें कोई भी फाइन पार्टिकल से अगर हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसे हमें फील्ड से अपनी फार्म में लेके आना है, रोड बनाने रोड से या बिल्डिंग बना रहे हैं, जब हम फार्म बना रहे होते हैं तो वहां पर हमें बिल्डिंग भी अपनी स्टेप बनानी पड़ती है, तो उस बिल्डिंग की हेल्प के टाइम पे हमारी एयर आ सकती है। या फिर अगर हम एयरेशन का अगर हमारा इंस्टॉलेशन का एक्शन हो रहा है, मतलब एयर का स्टेरेशन हो रहा है, स्टेरिंग कर रही है एयर, तो उस एक्शन से भी हमारी डस्ट जनरेट हो सकती है, फील्ड से डस्ट आ सकती है, रोड से डस्ट आ सकती है, और जो हम बिल्डिंग वगैरह है उससे भी हमारी डस्ट आ सकती है। डस्ट इन द एयर इज डिफाइंड एज अ फाइन ग्रेन सस्पेंडेड पार्टिकल। देखिए डस्ट क्या है, डस्ट क्या है, डस्ट वो है जैसे जो एयर है, एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं हम उसे डस्ट कहते हैं। Farms engage in a variety of activities that require the use of equipment or practices that will create dust. How pupae prescribe dust will depend on a frequency, intensity, and duration of the dust generating event. ये जो dust है, वो actual में क्या है? Dust air में dissolve सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, इसके अलावा डस्ट कुछ भी नहीं है। और जो डस्ट होती है वो फार्म्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनको हम परफॉर्म करते हैं, उसकी हेल्प से ये क्रिएट हो जाती है। और ये जो डस्ट है वो कभी कभी जो फ्रिक्वेंसी होती है कि किस फ्रिक्वेंसी से हम कोई पर्टिकुलर इवेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अगर हमें एरेशन करना है या फिर हम कोई एरेशन मोस्टली हमें करना है या फिर हमें सेपरेट करना है या हमें कोई भी और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे भी हमारी डस्ट डिपेंड करती है और उसके ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करती है कि हम कितने टाइम के लिए वो एक्सपेरिमेंट वो चीज परफॉर्म कर रहे हैं। डस्ट कैन बी रिजल्ट ऑफ मैनी फार्मिंग एक्टिविटीज एंड कुड बी सोर्स ऑफ कंप्लेंट कंसर्न फार्म एक्टिविटीज। ये जो हमारी डस्ट होती है जो वो रिजल्ट होती है किसका, जो फार्मिंग होती है उसकी, जो फार्मिंग हम कर रहे होते हैं उसकी जो एक्टिविटी
एनर्जी होती है उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमारी डस्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस की, नॉइस कहाँ से जनरेट होती है, नॉइस कैसे आती है, नॉइस क्या है। फार्मर इंगेज इन अ वैरायटी ऑफ एक्शन दैट जनरेट नॉइस। जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिसकी हेल्प से नॉइस आती है। नॉइस इज डिफाइंड एज एनी साउंड दैट ऑडिबल बट जज टू बी अनवांटेड इन रेगुलर एरिया। इरेटिक डिस्टर्बेंस, ये जो हमारी नॉइस है वो नॉइस को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो साउंड मतलब जो वॉइस हमारे लिए अनवांटेड हो, मतलब इनरेगुलर अनवांटेड हो और जो हमें इरिटेशन जनरेट कर रही है, वो साउंड वो वॉइस हमारी नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। वो नॉइस वो साउंड जो हमारे कानों के लिए जो हमारे ईयर्स के लिए कंफर्टेबल हो जिसे हम इजीली सुन पाए उससे हमें कोई इरिटेशन ना हो तो वो हमारी नॉर्मल तो उसे हम नॉइस में काउंट नहीं करेंगे। नॉइस में हम उसी को काउंट करेंगे जो अनवांटेड होगी, जो इनरेगुलर होगी और जो हमें इरिटेट कर रही होगी। नॉइस में भी जनरेटेड कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएटली एंड मे राइज व्हेन इक्विपमेंट इज रन एट अ हाई आरपीएम। ये जो नॉइस होती है नॉइस क्या जनरेट होती है, जब हम फार्म अगर हमने कोई फार्म एस्टेब्लिश की है तो वहां पे हमने बहुत सारे इक्विपमेंट भी यूज किए होंगे, तो जब हम उस इक्विपमेंट को काफी तेज स्पीड से रन कराते हैं तो वो नॉइस क्रिएट करता है और जो नॉइस काफी हद तक बहुत ज्यादा अनवांटेड होती है। हियरिंग डैमेज पोटेंशियल ऑफ साउंड डिपेंड नॉट ओनली द लेवल बट आल्सो द ड्यूरेशन ऑफ साउंड। देखिए जो हियरिंग डैमेज होता है मतलब जो हियरिंग तक अगर हम फार्म में हैं और हमारे ईयर्स मतलब ईयर्स हमें अगर सुनने में हियरिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे ईयर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम साउंड की इंटेंसिटी के अलावा उसकी जो ड्यूरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगी कि हम उस एनवायरमेंट में कितने टाइम के लिए सरवाइव कर रहे हैं। एक अगर नॉइस काफी ज्यादा है जो अनवांटेड है डिस्टर्बेंस है लेकिन वहां पे हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए हैं तो मे बी हमें हियरिंग जो हमारी हियरिंग प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ बढ़ती चली जाएंगी। नॉइस लेवल फॉर वर्कर्स आर प्रोवाइडेड इन अ ऑक्यूपेशनली हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन बाय द वर्कर्स कंपनसेशन बोर्ड। द एम्प्लॉयर मस्ट बी इंश्योर द वर्कर इज नॉट एक्सपोज टू नॉइस लेवल अबव द 80 डेसिमल लेक्स डेली एक्सपोज द 135 डेसिमल पीक साउंड लेवल्स। देखिए हमारी वर्कर्स कंपेंसेटिंग बोर्ड है उसने वर्कर्स के लिए मतलब जो वर्कर्स फार्म में काम कर रहे होते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कि अगर इस क्राइटेरिया से अबव साउंड होती है तो वो हमारी नॉइस में काउंट की जाएगी और जो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अनवांटेड है और हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्म करेगी। तो ये है हमारी नॉइस। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जनरेट सम नॉइस। जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो मोस्टली नॉइस को जनरेट करते ही करते हैं। गुड फार्म प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी नॉइस सच एज ट्रक इंजीनियर्स रनिंग व्हाइल द पार्किंग कीपिंग नॉइस इक्विपमेंट इनसाइड द बिल्डिंग टू बफर द नॉइस एंड मेंटेन द मशीन एंड इक्विपमेंट इन गुड वर्किंग ऑर्डर विद फंक्शनल मेफल्स कंसीडर द लाउडनेस ऑफ इक्विपमेंट व्हेन मेकिंग द परचेसिंग डिसीजन। देखिए जो जितने भी हमारे इक्विपमेंट है वो सारे ही इक्विपमेंट हमारे नॉइस जनरेट करते हैं। देखिए जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो मोस्टली हमारे नॉइस जनरेट करेंगे और जो ये नॉइस होती है उसे एलिमिनेट किया जाता है। अगर कोई भी अच्छी फार्म है तो वो फार्म जो ये जो नॉइस होती है इसको रिमूव करने के लिए ट्राई करेगी। जो भी हमारे नॉइसी मशीन्स और इक्विपमेंट्स होंगे उनको प्रॉपर तरीके से उनकी मेंटेनेंस करेगी। मेंटेनेंस करने के बाद जितनी भी हमारे जितनी भी मतलब जो भी हमारी मशीनरी है
जो हम यूज कर रहे हैं, जिनका हमें काम करना है, उन सबकी प्रॉपर हम मेंटेनेंस करेंगे और उन्हें ऐसी जगह पे रखेंगे जहां से नॉइज पॉल्यूशन ना। कंसिडर द टाइम वेन द नॉइज इक्विपमेंट मस्ट बी यूज टू अवॉइड टाइम देट आर गोइंग नॉट द न्यूसेंस टू नेबर्स। When the building's new farm site new building further away from properties line, especially when neighboring house are likely to be built। देखिए, जब भी हम farms में equipment अपने use कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे neighbors हैं उनको कोई problem ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उस नॉइज से, मतलब नॉइज नहीं, सिंपल सा है कि जब भी जहां भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उस इक्विपमेंट से हमारा नॉइज पॉल्यूशन ना हो। यूज द मेंटेनेंस लैंडस्केपिंग टू बफर एंड प्रोवाइड द विजिबल स्क्रीनिंग फॉर नॉइज। कि जब भी हम इक्विपमेंट कोई भी डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे हमारे लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग, प्रॉपर नॉइज, प्रॉपर बफर प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉइस प्रॉपर होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी अगर आपने कोई इक्विपमेंट यूज किया है वो इक्विपमेंट हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो वहां पे क्या है, हमें उस इन्वायरमेंट, उस इक्विपमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके अलावा हमें जो विजुअल स्क्रीनिंग होती है नॉइस के लिए वो भी यूज करनी चाहिए। न्यूमरस ज्यूरिस्डिक्शन इज इन द प्रोवाइड have drafted and implemented by law that regulate or prohibit noise or sound which disturbance and quit peace, rest, enjoyment, comfortable or concern of neighboring hold or person in a visit, in a vicinity. These by law most often spin out however during which certain level of noise are not acceptable but between the hour of 100 to 7 a.m. 10 p.m. to 7 a.m. By this law now subjected to approved by the Ministry of Agriculture land which agriculture is impacted. हम अभी आपको इससे हम डिस्कस कर रहे थे कि जहां भी हमारी हमारे फार्म है वहां के जो नेबरिंग हमारे पीपल्स हैं उसे हमारी जो फार्म की नॉइस है उससे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वो हमारे फार्म के पास इजीली कंफर्टेबल तरीके से रह पाए और जो जितनी भी हमारी नॉइस है वो शाम में इवनिंग टाइम से आफ्टर 10 पीएम एंड इन मॉर्निंग बिफोर 7 पीएम वी डज नॉट यूज एनी लाउड स्पीकर any equipment which generate unwanted noise. ये हमारे rules and regulations हैं जिनको हमें follow करना पड़ता है और जो ये और जितने भी हम rules and regulations बनाते हैं वो rules and regulations हमारे approved किए जाते हैं by the Ministry of Agriculture and Land के द्वारा। तो ये हमारे कुछ noise related laws होते हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्लान। कि अगर हमारी फार्म है तो हमें वहां पे अपना इमरजेंसी प्लान भी रखना होता है। एन इमरजेंसी प्लान आउटलाइनिंग स्टेप टू बी टेकन इन अ इवेंट ऑफ अ स्प्लिंग ऑफ अ स्पाइन ऑफ अ स्प्लाइन एंड लीक शुड बी पोस्टेड नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी फैसिलिटी इन विच एग्री केमिकल आर स्टोर। जहां एक हमें जब भी हम अपना इक्विपमेंट जब भी हम अपनी फार्म एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वहां पे हमें अपना इमरजेंसी प्लान भी रखना चाहिए जिससे कि और एक ऐसा एंट्रेंस भी रखना चाहिए जिससे अगर हमारे कोई भी केमिकल्स हैं उसे हम इजीली तरीके से अगर बाय चांस भी एक्सीडेंट होता है तो उस दौरान हम उसे इजीली तरीके से वहां से बाहर ले पाए और अंदर ले पाए और उससे किसी भी पर्सन को कोई भी डिस्टर्बेंस ना। और जितने भी हम जहाँ पे भी अपना हमने एग्रीकल्चर केमिकल्स को अपना स्टोर किया हुआ है वहां पे भी हमें एक ऐसा एंट्रेंस बनाना चाहिए जिससे कि अगर वहां पे कोई भी
दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उसे ओवरकम कर पाए उसी प्लेस पे. एन इमरजेंसी प्लान शुड बी इंफॉर्मेशन ऑन अ लोकेशन ऑफ इमरजेंसी फर्स्ट एड इक्विपमेंट इमरजेंसी फोन नंबर क्लीनअप इंस्ट्रक्शन. देखिए जब भी हम अपना इमरजेंसी जब भी हम अपना फॉर्म बनाए तो वहां पे इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए. उस इमरजेंसी प्लान में हमें फर्स्ट एड होना चाहिए. अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो हम वहां पे उसका फर्स्ट एड कर पाए. इसके अलावा इमरजेंसी फोन नंबर भी होना चाहिए जिससे कि हमसे हम बाहर वाले लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाए अगर कोई एक्सीडेंट हमारा फार्म में हो गया हो. इसके अलावा हमें अपने जो फार्म होती है उसकी प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग भी करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो मशरूम है उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए उसमें कोई कंटामिनेशन हो पाए. तो ये हमारे कुछ इमरजेंसी प्लान है या जिन्हें हम बैकअप प्लान भी कहते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने मशरूम की फार्म को स्टेबलाइज कर रहे हो या फिर मशरूम का प्रोडक्शन करने वाले हो. अब हम देखते हैं फार्म बिल्डिंग की. फार्म बिल्डिंग क्या है? फार्म बिल्डिंग आर गिविंग सेपरेट स्टेटस विद इन अ नेशनल बिल्डिंग कोड. जो हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें जो फार्म्स है फार्म बिल्डिंग है उनको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड की गई है. This is because they are subjected to a law. Human occupying land are often located in a remote area and are often special in nature with respect to a companies involved. Implementation of a separate status for agriculture building are published in a National Farm Building Code of Canada. The code set out minimum requirement in matter affected human health, fire safety and structural sufficiency. The BC building code require all farm building within a municipal district to conform the national code. Large mushroom farm composite facilities and stores area need the management plan that address both the quality and quantity of mushroom. Water runoff. The plan should be include drainage system. The water rain was separated from the contaminated water, such as irritated water, contaminated nutrients from the mushroom growing facility. Mushroom farm roof water that allowed to flow onto the concrete slab should be created contaminated runoff. Roof water should be kept separate from contaminated water. On-site storm water retains should be provided to avoid overloading municipal on regional drain waterways. The post-development storm water flow release rate from the property should be similar to pre-development flow unless the other mitigative drainage management are taken. लोकल गवर्नमेंट बाई लॉ शुड बी चेक. ये हमारे कुछ लॉज हैं या कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम फॉर्म को बिल्डिंग कर रहे हैं. सबसे पहली बात इसमें जो हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड्स होते हैं उसमें इसको एक स्पेसिफिक स्टेटस दिया गया है और ये जो हमारे नेशनल फॉर्म है ये कोड ऑफ कैनेडा है. मतलब ये जो पूरी फार्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल फार्म बिल्डिंग कोड ऑफ कैनेडा और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे फार्म के स्टेबलिश के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करती है. इसके अकॉर्डिंग जब भी हम फार्म स्टेबलिश करें तो वहां पे जो भी हमारे ह्यूमंस हो उनकी हेल्थ के इश्यूज सबसे ज्यादा कम हो, फायर की सेफ्टी हो और स्ट्रक्चरल सफिशियंट. इसके अलावा जब भी हम मशरूम का प्रोडक्शन करें तो वहां पे जो हमारे कंपोजिट होते हैं उनको स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए और इन मैनेजमेंट जब भी हम उसका मैनेजमेंट करें तो अपने प्लान में उसका मैनेजमेंट करें तो हमें प्रॉपर तरीके से उसे डिफाइन करना चाहिए. कितनी क्वालिटी वहां पे आ सकती है, किस क्वांटिटी में आ सकता है, वो भी सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए. यहाँ पे हमारा जो ड्रेन वाटर होता है मतलब कंटामिनेटेड वाटर और नॉन कंटामिनेटेड वाटर है वो भी हमारा एकदम सेपरेट आउट होना चाहिए. हमारी फार्म में ड्रेनेज का सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए. तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम फार्म को बिल्डअप करते होते हैं.
नेक्स्ट फिल प्लेसमेंट एंड सोइल रिमूवल. फिल प्लेसमेंट एंड सोइल रिमूवल इज नेसेसरी. सोइल रिमूवल और प्लेसमेंट टू फिल इज अ परमिटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर स्पेसिफाइड फार्म एंड नॉन फार्म यूज इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशरूम फार्म बिल्डिंग और द कंपोजिट फैसिलिटी विद कंडीशन. When the removal of soil or place to fill exceed 2% of area of the parcel, the notice of the incident must be submitted to the Agriculture Land Commission. Proposal under the notice of the intent may be allowed with term and conditions should be by the CEO of the commission or require and approved by the commission. हमारी जो soil removal place है वो हमारा permit करता है agriculture activity को perform करने के लिए. कि जहाँ पे हम अपने agriculture की property को perform कर जाते हैं वो place made करता है. चाहे हमारे specified farm हो और या फिर non-specified farm. अगर हम उनको use कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इस room में इस place पे हम एक proper मेंटेनेंस प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी मशरूम है वो इजीली ग्रो कर पाए. पर इस जो प्लेस होता है वहाँ पे जो हम सोइल को रिमूव करते हैं या उसका प्लेसमेंट करते हैं वो एरिया हमारा 2% से एक्सीड नहीं होना चाहिए. और ये जो नोटिस होता है इसे सबमिटेड करते हैं हम एग्रीकल्चर लैंड कमीशन के द्वारा. और फिर ये कमीशन क्या करती है उसका जो सीईओ उसको अप्रूव करती है. अगर ये सारे क्राइटेरिया उसके फुलफिल कर रहा होता है तभी हम अपने आगे के प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं. अगर वो अप्रूव नहीं करता है तो हमारी प्रोसेस वहीं पर चेकआउट हो जाती है. अब देखते हैं स्टोरेज ऑफ केमिकल कि हम केमिकल को कैसे वहां स्टोर करते हैं. स्टोरेज ऑफ केमिकल ऑल एग्रीकल्चर केमिकल्स शुड बी स्टोर्ड इन अ डिटेक्टिव फैसिलिटी. कि जब भी हम अपने केमिकल्स को स्टोर कर रहे हो तो वहां पे उसकी सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए. मिनिमम स्टैंडर्ड डिक्टेट दैट स्टोर स्ट्रक्चर मस्ट बी वेंटिलेटेड नेचुरल एंड मैकेनिकल टू बी आउटडोर टू प्रिवेंट द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्लेमेबल वेपर. बी एसेसिबल फॉर आउटडोर एंड इंश्योर्ड for unauthorized entry, has been imperceiving floor typical concrete without